हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बेसिक मिस्टेक्स, फैशन मिस्टेक्स जो आप नोइंगली एंड अननोइंगली कर लेते हैं। मैं भी कर लेती हूँ कई बार। मैं कोई फैशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, मैं एक डिस्क्लेमर बता रही हूँ आपको पहले ही। एक्सपीरियंस से ही मैंने कई चीज़ें, कई पॉइंट्स मैंने ऑब्जर्व करी है एंड कई चीज़ें मैंने लर्न करी है, तो वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। एंड आपको अगर अच्छी लगेगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताना मेरा ये मेकअप लुक आपको कैसा लग रहा है। मैंने इससे पहले शेयर किया था, मैं लिंक डाल दूँगी अगर आपने नहीं देखा है तो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो मैं कुछ पॉइंट शेयर करूँगी। सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट बेसिक मिस्टेक जो आप करते हैं वो है कि आप किसी भी एक इन्फ्लुएंसर को ब्लाइंडली फॉलो करते हो। लाइक उनकी जैसे बॉडी टाइप है, उनकी जैसे पर्सनालिटी है, जो कलर उनको सूट कर रहा है, ड्रेसअप होने का पैटर्न, कोई स्टाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए आपको, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप बहुत ही अलग टाइप की होती है एंड सबका ड्रेसिंग स्टाइल भी अलग होता है। लाइक सबकी एक कुछ यूनिकनेस रहती है। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को या किसी सेलिब्रिटी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो हो सकता है कि जो चीज़ें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है वो आपके बॉडी टाइप को सूट नहीं करे, आपके ऊपर उतनी ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं करे। तो ये एक बेसिक मिस्टेक है जो आप करते हो, जो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये डूज एंड डोंट्स है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट आपको करना है। आपको अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कपड़े चूज करनी चाहिए, आपको अपने पर्सनालिटी के हिसाब से कपड़े चूज करने चाहिए, तो वो आपको सूट भी करेंगे एंड आप आपकी जो बॉडी टाइप है वो उसमें बहुत ज़्यादा निखर के आएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ भी पहन लिया है या एकदम अटपटा टाइप का ड्रेसअप हुए, इस टाइप से नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये जो कपड़े हैं वो आप ही के लिए बने हैं एंड आपकी जो लाइक बॉडी टाइप है, आपके कर्व्स जो हैं, आपकी फिगर जो है, सब कुछ बहुत ज़्यादा एनहांस होगा। आपका कंप्लीट ड्रेसअप जो है, कंप्लीट लुक जो है आपका, वो बहुत ज़्यादा एनहांस होगा। तो ये एक पॉइंट है जो आपको फॉलो करना चाहिए। एंड सेकेंड चीज़ है कि आप अगर किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी सेलिब्रिटी को देख के उनके अकॉर्डिंग अपनी ज्वेलरी चूज कर रहे हो, तो ये भी एक मिस्टेक है जो आप अपने साथ कर रहे हैं। ये देखने में बहुत ही सिंपल फैशन मिस्टेक है, बट ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है जो आप करते हैं, क्योंकि हर एक ज्वेलरी हर किसी को सूट नहीं करती है। सबका अंडर टोन अलग अलग रहता है। लाइक किसी के स्किन पे, स्किन का जो टोन रहता है वो अलग अलग रहता है। किसी के स्किन पे गोल्डन टच वाले जो ज्वेलरी रहती है वो अच्छी लगती है, किसी के स्किन पे सिल्वर टच वाले, सिल्वर फिनिशिंग जो रहती है वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगती है, एंड किसी पे न्यूट्रल अच्छी लगती है। लाइक दोनों चीज़ें सूट करती है, या फिर किसी पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो रहती है वो काफ़ी सूट करती है। तो आपको अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ज्वेलरी चूज करना चाहिए, जो ज्वेलरी का कलर है वो, एंड ज्वेलरी का पैटर्न जो है वो भी आपको अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो मेरा नेक जो है, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा नेक जो है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है, क्योंकि मेरी हाइट भी शॉर्ट है एंड मैं थोड़ा सा प्लस साइज में हूँ, तो मेरा नेक की लाइक लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ चोकर वगैरह पहनना एंड बेसिकली कोई भी नेक पीस पहनना मैं अवॉइड करती हूँ। बट अगर आप कोई नेक पीस पहनना चाहते हो तो थोड़ा सा लूज फिटिंग में जो रहता है वो नेक पीस चूज करना चाहिए, अगर आपकी नेक जो है वो छोटी है तो। एंड अगर आपके लंबे हैं नेक तो आपको चोकर ट्राई करना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके ऊपर एंड आपके जो लुक है, आपके नेक साइज जो है उसको एनहांस करेगी, आपकी नेक लाइन जो है उसे एनहांस करेगी। तो ये ज्वेलरी जो है वो भी आपको अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग चूज करनी चाहिए एंड स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज करनी चाहिए। आप कई लोगों को देखते हो कि कई लोगों के ऊपर बड़े बड़े साइज के माथा पट्टी या फिर मांग टीका बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, क्योंकि उनका फॉरहेड बड़ा रहता है। अगर आपका फॉरहेड छोटा है तो आपके में छोटे जो बेसिक वाले रहते हैं मांग टीका वगैरह वो अच्छे लगेंगे। अगर आपके फेस जो है वो लंबा है, लॉन्ग फेस है अगर आपका, तो आपके ऊपर झुमका वगैरह अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आपके फेस जो है वो राउंड है तो आपको ऐसी इयररिंग चूज करनी चाहिए जो थोड़ी लंबी हो, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, थोड़ी लंबी, तो आपके फेस को वो लंबा दिखाएगी, स्लिम दिखाएगी। तो आपको इस टाइप से ज्वेलरी चूज करनी चाहिए। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख के फॉलो करके आप ज्वेलरी चूज मत करिए। तो ये भी एक फैशन मिस्टेक है जो आप अननोइंगली करते हैं, जो आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा हंस रही हूँ, बट कुछ हुआ अभी यहाँ पे, इसलिए मैं इतना ज़्यादा हंस रही हूँ। बट एनीवेज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही कपड़े चूज करने चाहिए। फैब्रिक सिलेक्शन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम है तो आपको ऐसे फैब्रिक को चूज करना चाहिए जो थोड़ा सा फुले फुले रहें, जो थोड़े स्टिफ फैब्रिक है, लाइक ऑर्गेंजा, जो एकदम थोड़े हार्ड टाइप के नेट रहते हैं वो,
या सिल्क ब्रोकेड इस टाइप के फैब्रिक आप चूज कर सकते हैं, कॉटन। बट अगर आप थोड़े बल्की साइड में है, थोड़े प्लस साइज है अगर आप, तो आपको इस टाइप के फैब्रिक चूज करनी चाहिए जो थोड़े से चिपके चिपके लगे, जो आपके बॉडी को हग करें। लाइक शिफॉन हो गया, जॉर्जेट हो गया, इस टाइप के फैब्रिक आपको चूज करनी है। सॉफ्ट नेट हो गया, इस टाइप के फैब्रिक आपको चूज करनी चाहिए। इससे आप स्लिम लगोगे एंड वो आपके बॉडी टाइप को बहुत ज्यादा इन्हांस करेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक्स्ट्रा मोटे लग रहे हैं उसमें। मैं थोड़ी प्लस साइज में आती हूँ, इसलिए इन सब चीज़ों को मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। मैं फैशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं फिर बता दूँ आप लोग को। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हमेशा ओकेजन के हिसाब से ड्रेसअप होना चाहिए। ये तो मेरे को लग रहा है बहुत ही बेसिक पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखते भी होंगे, बट जिनको नहीं पता है या जो लोग अननोइंगली सो ये मिस्टेक कर लेते हैं, उन लोग के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको ओकेजन के हिसाब से रेडी होना चाहिए। लाइक आप किसी फेस्टिवल्स के लिए अगर रेडी हो रहे हैं, तो उस टाइप के आपको ब्राइट फेस्टिव कलर्स को चूज करना चाहिए। थोड़े आपके जो प्रिंट रहे कपड़े में, वो थोड़े एथनिक होने चाहिए, थोड़े ट्रेडिशनल होने चाहिए। या फिर अगर आप किसी पार्टीज पे जा रहे हैं, लाइक रिसेप्शन पे या कॉकटेल पार्टीज पे, तो आपको ऐसे कलर्स को चूज करना चाहिए जो थोड़े वाइब्रेंट टाइप के हों, जो थोड़े से पार्टी का मूड दे आपको। तो इस चीज को आप ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी पूजा पे जा रहे हैं, मंदिर पे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो आप थोड़े से ट्रेडिशनल कपड़ों को ट्राई कर सकते हैं, ट्रेडिशनल प्रिंट्स को ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ड्रेसअप होना चाहिए। या फिर आप किसी फॉर्मल पार्टी पे जा रहे हैं, तो आपको उस टाइप से ड्रेसअप होना चाहिए। आपको थोड़ा फॉर्मली ड्रेसअप होना चाहिए। कलर्स भी आपको थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप के चूज करने चाहिए, जिससे वो बहुत ही ज्यादा लाउड नहीं लगेगा एंड सटल लगेगा आपका लुक। एंड आप माहौल के हिसाब से एंड ओकेजन के हिसाब से ड्रेसअप होगे तो अच्छा लगेगा, वो बहुत ज्यादा ऑड नहीं लगता एंड अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज लेस इज मोर। ये चीजें मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। एंड अगर आपने मेरे वीडियोस पहले चेकआउट किए हैं, तो आप देखे होंगे कि मैंने अपने लुक को बहुत ही ज्यादा, मैं हमेशा अपने लुक को बहुत ही ज्यादा सटल रखती हूँ, बहुत ही मिनिमम रखती हूँ। एंड ज्वेलरी वगैरह या कलर्स भी बहुत ब्राइट नहीं लेती, ज्वेलरी भी बहुत ही मिनिमम रखती हूँ। अगर आप अभी भी देखोगे, तो मैंने सिर्फ एक सिंपल सी इयररिंग पहन रखी है, तो मैं ज्वेलरी हमेशा मिनिमल रखती हूँ एंड एक्सेसरीज भी बहुत मिनिमल रखती हूँ एंड मेकअप बहुत मिनिमम करती हूँ मैं। तो आप लेस इज मोर जो रूल है उसको फॉलो करेंगे, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आपको मिलेगा एंड कोई भी चीज़ें ओवर नहीं लगेगी, सब बैलेंस लगेगी। तो ये एक रूल है जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी उसे फॉलो करो। सो दीज आर सम पॉइंट्स, सम फैशन मिस्टेक्स जो आप नोइंगली एंड अनोइंगली करते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे, तो आपका लुक जो है, ओवरऑल लुक जो है, वो बहुत ही ज़्यादा निखर के आएगा एंड आप पुट टुगेदर लगेंगी सब चीज़ें। कोई भी चीज़ें ओवर नहीं लगेगी, ऑड नहीं लगेगी। तो यहाँ हो रहा है आज का वीडियो फिनिश। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। एंड बस मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, इससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।